हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉइल स्प्रिंग रिप्लेस होते हुए देख रहे हैं, तो इसके बारे में हमने वीडियो बनाई है। तो आप हम जो उसकी लिंक है आई बटन में आपको दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों आज जो आपके लिए वीडियो लाए हो स्टेयरिंग जॉइंट स्टेबिलाइजर लिंक सस्पेंसर लोअर और अपर जॉइंट के बारे में है। तो चलिए दोस्तों उसके बारे में एक वीडियो चालू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये ऐसे फ्रीली घूम रहा है, इसलिए इसको बदलना पड़ता है। ये बॉल जॉइंट लोअर आर्म है, ये फट चुका है यहाँ से और ये पूरी तरह से फ्री वर्क कर रहा है। जिसे देखिए ये वर्क ही नहीं करता, थोड़ा इतना हार्ड। हार्ड है। ये पूरा हो गया है, इसलिए हम इसको चेंज करना होगा। तो यहाँ पर ये लिंकेज ख़त्म हो गई है, देख रहे हैं आप, ये इजीली से मूव हो रही है, क्योंकि जो अंदर का छरा होता है वो घिस चुका होता है, उसलिए उसमें गैप बन बन जाती है। गैप बनने से क्या होगा कि ये फ्रीली मूव करेगा, ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक बहुत ही हार्ड बहुत ही मूव हार्ड कर है, रहा है। क्योंकि इतना हार्ड होना चाहिए, इतना हार्ड होना चाहिए तब जाके ये काम करेगा, है ना। गुट को एक से गुट को है और ये स्टीयरिंग गुट का है। ये भी उसमें जो लगा हुआ है वो फ्री वर्क कर रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये तो इजीली से ये इजीली मूव कर रहा है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पर ये थोड़ा हार्ड मूव हार्ड करेगा, मूव करेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो राइट साइड का व्हील होता है वो भी हमने यहाँ पर ओपन कर दिया है, और यहाँ पर भी हम चेक कर लेंगे। लोअर आर्म जो होता है वो हमने चेंज करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं बॉल जॉइंट होता है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे। और यहाँ पर स्टेयरिंग का जो बॉल जॉइंट होता है उसको हम रिप्लेस कर देंगे। और फिर यहाँ पर अपर अपर आर्म में भी जो होता है बॉल जॉइंट, जो उसको हम गुटका कहते हैं, तो उसको भी हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपर आर्म जो होता है उसका जो बॉल जॉइंट होता है तो वो भी हमने नया लिया है यहाँ पर, और वो ओमेक्स कंपनी का है। और लोअर आर्म जो होता है वो आलोक का है, आलोक कंपनी का। तो इसका प्राइस भी हम आपको दिखा देंगे, ठीक है, आपको प्राइस भी कह देंगे कितने में ये लिया हमने। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राइट साइड में जो हमने खोला था, तो यहाँ पर सब काम हमने पूरा कर दिया है, सिर्फ अब टायर लगाना बाकी है। तो यहाँ पर अपर बॉल जॉइंट भी लगा दिया है, और यहाँ पर ये लिंकेज है वो भी लगा दी है, और यहाँ पर ये जो स्टीयरिंग का लिंकेज होता है, स्टीयरिंग का बॉल जॉइंट होता है वो भी हमने यहाँ पर लगा दिया है। और लोअर जो था लोअर आर्म में बॉल जॉइंट होता है वो भी लगा दिया है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर ये कंप्लीट पूरा काम कर दिया है। और यहाँ पर जो सस्पेंशन था वो भी हमने लगा दिया है नया, ठीक है, तो ये भी लगा दिया। और यहाँ पर स्प्रिंग चेंज करने की नहीं की है, क्योंकि ये कंप्लीट है स्प्रिंग। तो यहाँ पर सब काम पूरा कर दिया है। अब टायर लगाकर
पूरा काम कंप्लीट। यहाँ पर दोस्तों काम पूरा हो गया है, राइट साइड और लेफ्ट साइड के अंदर हमने दोनों ही साइड जो मतलब बॉल जॉइंट और स्प्रिंग और जो हमने चेंज की सस्पेंशन, दोनों ही व्हील्स में हमने सस्पेंशन ऐड कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों काम पूरा हो गया है, अब राउंड लगा कर देख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।